तो गाइस एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप एक अंडा लीजिए और अंडे को सीधा 220 वोल्ट एसी करंट लगाइए। तो गाइस मुझे भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। तो ये रहा भाई एक अंडा, ये रहा प्लग। तो सिंपल सा क्या करना है, तो गाइस इस अंडे में दो होल करना है और दोनों होल में इस वायर को गाइस डाल देना है और इस प्लग को सीधा लगा देना है 220 वोल्ट एसी करंट में। कुछ इस तरह से गाइस लगाना है और जैसे ही मैं गाइस स्विच को ऑन करूंगा तो इस अंडे में बहने लगेगा 220 वोल्ट एसी करंट। और गाइस देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है गाइस जब 220 वोल्ट सीधा इस एक अंडे में पड़ता है। तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सारा चीज़ सेटअप हो चुका है और गाइस ये वाला जो वायर है जाएगा इस अंडे में और ये वाला जो प्लग है जाएगा इस बोर्ड में। और मैं आपको दिखाने के लिए गाइस कि इस बोर्ड में 220 वोल्ट करंट आ रहा है, मैंने एक एलईडी बल्ब को भी लगा लिया हूँ गाइस। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा यहाँ से ये लाइट जल जाएगा और गाइस आपको मालूम ही चल जाएगा कि इस वायर के थ्रू इस अंडे में 220 वोल्ट करंट एसी जा रहा है और गाइस हमें भी मालूम चलेगा। तो चलिए पहले गाइस इस अंडे में होल करते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं दोनों तरफ होल हो चुका है, एक तरफ गाइस एक तरफ इधर। तो चलिए मैं इस टेप के ऊपर कुछ इस तरह से गाइस अंडे को रख देता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से। एंड 3, 2, 1 और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से गाइस। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाइस किस तरह से आवाज़ दे रहा है। तो गाइस आपको आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ गया होगा गाइस। तो गाइस इसी तरह इस अंडे को हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इस अंडे को क्या अंडे का हल होता है। तो गाइस पूरे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं गाइस और अब इसके अंदर से आवाज़ आना बंद हो चुका है। और चलिए गाइस अब इस लाइट को ऑफ करते हैं और देखते हैं हमारा अंडा किस प्रकार का हो चुका है। इस बिजली को ऑफ करते हैं। तो चलिए गाइस इस बर्तन में अपने इस अंडे को निकालते हैं और देखते हैं गाइस कि 220 वोल्ट के झटके से हमारा अंडा किस प्रकार का हो चुका है। तो चलिए पहले इस वायर को हटाते हैं गाइस अच्छे से और आप देख सकते हैं गाइस पहले इस प्लग को निकाल देते हैं ऐसे ही। तो गाइस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाइस हो चुका है। मुझे भी नहीं पता इस अंडे के अंदर किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसे गाइस फोड़ते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं हमारा अंडा बिल्कुल गाइस एक नॉर्मल अंडे की तरह ही दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है गाइस इस अंडे को अभी 220 वोल्ट एसी करंट का झटका लगा हो। कुछ भी गाइस चेंजिंग नहीं हुआ थोड़ा सा भी गाइस। तो गाइस इसके अंदर कुछ भी बदलाव बिल्कुल भी नहीं हुआ है, नॉर्मल अंडे की तरह ही गाइस ही दिख रहा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि क्या होता है जब
डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट को एक अंडे में डाल दिया जाए। कुछ भी नहीं होता है गाइस, नॉर्मल सा बिहेव करता है, नॉर्मल सा ही रहता है गाइस। मैंने जब अंडे को फोड़ा तो नॉर्मल ही गाइस रहा और कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन गाइस काफ़ी मज़ा आया। लेकिन हम लोग को मालूम चल गया गाइस क्या होता है जब अंडे में 220 वोल्ट करंट डालते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो में थोड़ा सा ये मज़ा आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ गाइस इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।